मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, यूसी चेयरमैन और काउंसलर्स को इख्तियारात मुंतकिल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। सिंध में डाकूराज और मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। कहा कि मुमकिन नहीं कि पुलिस के बगैर मनशियात का कारोबार हो सके। मुराद अली शाह बतौर वज़ीर दाखला सिंध इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुर्तज़ा वहाब, तस्वीरें बनवाना छोड़ें, काम करें। टैंकर में पानी आता है, नलके में नहीं। मुर्तज़ा वहाब को लाने के बाद प्रोजेक्ट बिलावल नाकाम हो गया है। कुछ भी कर लें, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। मुर्तज़ा वहाब साहब, इधर तस्वीर खिंचवाना उधर तस्वीर खिंचवाना छोड़ें, काम करें और बताएं ना कि उन्होंने चार्ज मिलने के बाद ये इख्तियार मुंतकिल क्यों नहीं किया अब तक। वो तो हुकूमत है, विफाकी हुकूमत भी वही है, सूबाई हुकूमत भी वही है, बल्दियाती हुकूमत पे भी उन्होंने कब्जा किया है। अब सब कुछ आपके पास है, आनिया जानिया छोड़ें, आप ये बताएं कि आपने अब तक चार्ज मुंतकिल क्यों नहीं किया और अपने ही लोगों को नहीं किया। इस वक्त शहर में जितने मुनशियात के अड्डे चल रहे हैं सब पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं। कोई है पूछने वाला क्यों चल रहे हैं वो पुलिस की सरपरस्ती में? कोई ये कहे कि नहीं हमारी सरपरस्ती में नहीं चल रहे, वो झूठ बोलता है। जवाब दें, मुराद अली शाह के ये मुनशियात के अड्डे कैसे चल रहे हैं पुलिस की मर्जी के बगैर? उन्होंने तो वजारत दाखिला भी अपने पास ही रखी हुई है। ऑपरेशनों के नाम पर पैसे लगाते हैं और फिर दोबारा दाढ़ियों को लाकर बिठा देते हैं। है कोई पूछने वाला कश्मीर से लेकर आगे तक ये?